मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं विद्यानंद कुमार, सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, नारायण महाविद्यालय, गुड़िया कोठी, सिवान, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपके लिए BA पार्ट वन ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर फर्स्ट का यूनिट 4 से एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। यह टॉपिक आपका भौतिक भूगोल से है, फिजिकल ज्योग्राफी से है, और यह टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। जिस वायुमंडल में आप रहते हैं, आप उसके बारे में बहुत कुछ पहले से जानते भी होंगे, लेकिन वायुमंडल की संरचना जब आप पढ़ेंगे, इस व्याख्यान को सुनेंगे, तो आपका ज्ञान और ही बृहत हो जाएगा और विस्तृत हो जाएगा। आपको इस व्याख्यान का चर्चा करने से पहले यह बता दूं कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है, वह पूछा जाता है कि वायुमंडल की संरचना का वर्णन करें। मैं पहले भी क्लास में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बताया था, वायुमंडल से संबंधित था। इससे पहले मैं जो क्लास लिया था, उसमें वायुमंडल का संगठन पर चर्चा किया था। तो ये वायुमंडल का संगठन एवं संरचना से यदि आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको कभी पूछेगा कि वायुमंडल की संगठन का वर्णन करें, या फिर आपको पूछ सकता है कि वायुमंडल की संरचना का वर्णन करें। तो आज जो मेरा चर्चा का विषय है, वह है वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों में, यानी ऊंचाई के अनुसार, जो है कौन कौन से परत मिलते हैं, कौन कौन से मंडल मिलते हैं, और उस मंडल की आपस में क्या विशेषता है, और इस विशेषता का चर्चा हम आज करेंगे। तो आइए पहले इसका हम थोड़ा सा जानकारी ले लें कि वायुमंडल जो है, वह वायु के अनेक संकेंद्रीय परत हैं जो घनत्व एवं तापमान की दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर वायुमंडल को मुख्य रूप से अलग अलग परतों में हम बांट करके उसको अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें कि पहला परत है आपका क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल को कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं सघन परत है, जिसमें वायु के संपूर्ण भार का 75% भाग पाया जाता है। धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर मानी जाती है। यह परत भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर पतली होती जाती है। भूमध्य रेखा पर संवहन धारा के कारण इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर एवं ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर होती है। जलवाष्प एवं धूल कणों के क्षोभ मंडल में ही संकेंद्रित होने के कारण बादलों का निर्माण, तूफान, चक्रवात आदि की उत्पत्ति जैसी मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि संवहन धाराएं इस मंडल के बाह्य सीमा तक ही सीमित होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में इस स्तर की ऊंचाई में वृद्धि एवं शीत ऋतु में कमी देखने को मिलती है। इस स्तर में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। तापमान में यह गिरावट की दर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि प्रति 1000 फीट की ऊंचाई पर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की जो है वह कमी होती है। इसी को सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। बादल, तूफान आदि के कारण यह मंडल वायुयानों के उड़ने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर विषुवत रेखा पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि ध्रुवों के ऊपर यह -45 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण स्तर को क्षोभ सीमा
या उसको इंग्लिश में ट्रोपोपॉज कहा जाता है। तो यहाँ यह आपको संक्रमण जो सीमा होता है, संक्रमण जो स्तर होता है, यह दो अलग अलग मंडलों के बीच के जो सीमा होता है उसी को संक्रमण स्तर या उसका उस जो सीमाएं नीचे से ऊपर की ओर समाप्त होती है उससे उसका नाम जुड़ा हुआ होता है। जैसे क्षोभ सीमा में कहा तो क्षोभ मंडल समाप्त होता है और वहाँ से ऊपर समताप मंडल प्रारंभ होता है, इसलिए वहाँ पर क्षोभ सीमा है। इसी तरह से समताप मंडल जब आपका खत्म होने को होगा उसके ऊपर दूसरी सीमा चालू होगा, दूसरा परत चालू होगा, मंडल चालू होगा, तो वहाँ पर जो है समताप सीमा होगा जिसको कि स्ट्रेटोस्फेयर फॉल्स कहा जाता है। तो फिर आइए अब फिर हम जाने कि समताप मंडल के बारे में। तो क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है धरातल से 50 किलोमीटर तक है। इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान लगभग स्थिर रहता है, परंतु ऊपरी भाग में 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान क्रमशः बढ़ता है। इसका कारण यह है कि यहाँ सूर्य की परावैगनी किरणों का अवशोषण करने वाली ओजोन गैस मौजूद होती है। अब है कि 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत की सघनता अधिक है, अतः इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। क्लोरो फ्लोरोकार्बन CFC हेलोन जैसी हेलोजनेटेड गैस गैसों के कारण इस मंडल को काफी नुकसान हुआ है। अब है समताप मंडल में बादलों का अभाव होता है तथा धूल के कण एवं जलवाष्प भी नाममात्र के ही मिलते हैं। इस मंडल में वायु की गति क्षैतिज होती है। समताप मंडल के ऊपरी सीमा यानी 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ओजोन परत के नुकसान के फलस्वरूप पराबैंगनी किरणों के पृथ्वी के धरातल पर आने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि एवं कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर समताप मंडल सीमा यानी कि स्ट्रेटोपॉज की संक्रमण पेटी स्थित है। अब ये दो आपने मंडल के बारे में जाना, पहला था क्षोभ मंडल, दूसरा आपने जाना समताप मंडल, और तीसरा जो मंडल है वह है मध्य मंडल मेसोस्फेयर। तो यह समताप मंडल के जो ऊपर स्थित है एवं 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच फैला हुआ है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में ह्रास होता है एवं 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस मंडल की ऊपरी सीमा को मध्य सीमा मेसोपॉज कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मध्य मंडल के बाद आयन मंडल के बारे में। यह आयन मंडल जो है यह चौथी जो है वह मंडल है। तो आयन मंडल जो इसे कहा जाता है इसके पीछे का कारण है कि इसमें जो है आवेशित कण, विद्युत आवेशित कण मिलते हैं जो कि जिसके वजह से इसे जो है आयन मंडल कहा जाता है। तो इसे ताप मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल का जो फैलाव है वह 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल में तापमान तेजी से बढ़ता है एवं उसकी ऊपरी सीमा पर यह बढ़कर 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें इसी मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती है, जिसके वजह से हम रेडियो पर जो है कार्यक्रम कोई भी सुन पाते हैं। इस मंडल की हवा विद्युत आवेशित होती है, अतः इस मंडल में वायु के कण विद्युत विसर्जन के कारण चमकने लगते हैं। यह प्रकाश मुख्य रूप से पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर ही पाया जाता है तथा पृथ्वी के चुंबकीय उपद्रवों से इसका घनिष्ठ संबंध है। ध्रुवीय प्रकाश पर सूर्य के धब्बों के परिवर्तन का भी काफी प्रभाव पड़ता है, अतः सूर्य के विद्युत विसर्जन से भी यह प्रकाश संबंधित है। उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकाश को उत्तर ध्रुवीय प्रकाश, अरोरा बोरियालिस
एवं दक्षिणी गोलार्ध में इसे दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से पुकारा जाता है। अब है कि इस परत के बाद जो है, इस मंडल के बाद जो है वह है वायुमंडल। तो वायुमंडल को कहा जाता है एक्सोस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस परत की वायु काफी विरल होती है एवं धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इसकी बाह्य सीमा पर तापमान लगभग 5,568 डिग्री सेल्सियस तक होती है, परंतु इस गर्मी को अनुभव नहीं किया जा सकता है। तो ये आपने जाना कि अलग अलग जो है मंडल जो है वो मुख्य रूप से पांच मंडल हैं, जिसमें मैं आपको बताया, सबसे पहले क्या बताया, क्षोभ मंडल, जिसको कि परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। मौसम संबंधित जितने भी जो है जो घटनाएं होती है, वो सभी के सभी क्षोभ मंडल में होती है। उसके बाद मैंने बताया आपको समताप मंडल। समताप मंडल में ही जो है वह ओजोन गैस मिलती है, जिसके कारण उसमें जो है उसके परत को उसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल कुछ हिस्सों को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। फिर तीसरा मैं आपको बताया मध्य मंडल, और उसके बाद बताया आयन मंडल, और फिर पांचवा बताया आपको वायुमंडल एक्सोस्फेयर। तो ये बात हुई कि इसका संरचना के आधार पर हमने अध्ययन किया, या भौतिक संरचना के आधार पर था जिसके आधार पर आपको इन परतों में बांट करके हमने अध्ययन किया। लेकिन इसके अलावे जो है, यदि रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल का हम अध्ययन करें, तो इसको दो भागों में हम विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। उसमें पहला है सममंडल, होमोस्फेयर। तो यह जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सममंडल। इस मंडल में जो है वह क्या होता है कि तापमान की बहुत ज़्यादा विविधता देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर तापमान लगभग स्थिर रहता है, इसलिए इसको सममंडल कहा गया है। यह वायुमंडल का निचला भाग है। इसकी बाह्य सीमा जो है वह 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर निर्धारित की गई है। इसे पुनः तीन उप स्तरों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। इस भाग की प्रमुख गैसें ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से इस मंडल को सममंडल कहा जाता है, क्योंकि इनमें गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। तो तापमान में थोड़ी बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन गैसों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इसको सममंडल कहा जाता है। अब दूसरा जो है इसका वह है विषम मंडल, हेट्रोस्फेयर। हेट्रोस्फेयर, इस मंडल की जो ऊंचाई है वह 90 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल में स्थित विभिन्न परतों के रासायनिक एवं भौतिक गुणों में विषमता के कारण ही इसका नाम विषम मंडल रखा गया है। इसमें मिलने वाले जो विभिन्न गैसों की परतें हैं, वो चार परतें पाई जाती है। अब इस चार परत का जो है नाम और इसका विस्तार मैं आपको बता दूं कि पहला है आणविक नाइट्रोजन परत, और इसका विस्तार है 90 से लेकर के 200 किलोमीटर। दूसरा है आणविक ऑक्सीजन परत, तो इसका विस्तार है 200 से लेकर के 1100 किलोमीटर। तीसरा है हीलियम परत, इसका विस्तार है 1100 से लेकर के 3500 किलोमीटर। और चौथा है आणविक हाइड्रोजन परत, और इसका विस्तार है 3500 से लेकर के 10,000 किलोमीटर। आणविक हाइड्रोजन परत का विस्तार है 3500 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जो है वायुमंडल की संरचना का हम अध्ययन करते हैं। तो वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं, उसमें हम मुख्य रूप से दो रूपों में इसका अध्ययन करते हैं। पहला हो गया कि भौतिक संरचना, और दूसरा हो गया कि रासायनिक संरचना। तो भौतिक संरचना में जो हमने देखा कि तापमान का ज़्यादा विविधता देख करके हमने अध्ययन किया, और रासायनिक संरचना में जो हमने देखा वो गैसों का जो है किस तरह की विशेषता है, गैस का जो उसमें गैस जो पाया जाता है अलग अलग परतों में, वह क्या होता है कि आपस में उसका जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो उसका मात्रा होता है मात्रा लगभग स्थिर रहता है, इसलिए उसको जो है सममंडल और विषम मंडल के रूप में जो है अध्ययन किया गया। सममंडल में क्या होता है कि गैसों का जो है
वह स्थिरता रहता है बना हुआ, इसलिए उसको सममंडल कहा गया। और विषम मंडल में आपने देखा कि ऊंचाई के हिसाब से क्या होता है कि रासायनिक और भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसलिए उसको विषम मंडल कहा गया। तो इस तरह से आपने आज जो सीखा वह वायुमंडल की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त किया। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों कि आपने इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मज़े से समझा होगा, और इसको आप एक नोट्स के रूप में तैयार कर लेंगे, यह भी उम्मीद करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आपसे विदा होता हूँ। आप स्वाध्याय करते रहिए और पढ़ते रहिए और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद।